टेंशन, अब होगा मैथ्स का टेंशन दूर। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सी यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। टुडे वी विल सी स्टैंडर्ड 6 में जो होल नंबर चैप्टर है, उस होल नंबर्स में जो हमने प्रॉपर्टीज देखी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स, उसी में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज देखने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स ओवर एडिशन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव की दो प्रॉपर्टीज है, एक एडिशन के लिए है और एक सब्ट्रैक्शन के लिए। फर्स्ट वी विल सी एडिशन के लिए। तो प्रॉपर्टी है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इट मीन्स दैट दो नंबर है कोई भी, जैसे है यहाँ पे ये 7 और 3, इनके एडिशन को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैसे करना है, तो इसके लिए हम पहले करते हैं इज इक्वल टू, पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 12 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 होता है 10, दैट इज इक्वल टू होता है 120। ये हमारा आंसर है। अब ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो 12 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट के बाहर के नंबर से ब्रैकेट के हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो 12 से पहले हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 12 मल्टीप्लाई 7। फिर यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन दिया। फिर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, सो वी गेट 12 मल्टीप्लाई 3, दैट इज इक्वल टू, और 12 से 84 एड प्लस 12 थ्री 36। अब इन दोनों का एडिशन करो, 6 प्लस 4 10 0 कैरी 1 एंड 8 प्लस 3 11 प्लस 1 हो गया 12 एंड आंसर आया 120। सी बोथ आंसर्स आर सेम, देयरफॉर वी कैन से दैट 12 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 7 प्लस 12 मल्टीप्लाई 3। अब इसी का यूज करके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 649 मल्टीप्लाई करना है हमें 8 प्लस 649 मल्टीप्लाइड बाय 2। इस एग्जांपल को हमें यूजिंग दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन के सहायता से सॉल्व करेंगे इस एग्जांपल को। सो देखो दोनों में कॉमन है 649। ओके, तो यहाँ पे देखो ए कॉमन है, तो हम ए को हमने बाहर निकाला था, तो इसी तरह से यहाँ पे 649 जो कॉमन है उसको बाहर निकाला मल्टीप्लाइड बाय। अब फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बच गया, तो 8 बच गया, यह जो साइन है प्लस वो साइन देंगे, और यहाँ सेकंड ब्रैकेट में बचा है 2, तो 2 लिखा इज इक्वल टू 649 एज इट इज मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 होता है 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करना मीन्स एक जीरो लगाना उसके सामने, तो 649 एक जीरो लगा दिया, तो आंसर इज 6490। अगर आप पहले इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे और दोनों को ऐड करोगे, तो आपको आंसर इतना ही मिलेगा। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल है 3297 मल्टीप्लाइड बाय 999 प्लस 3297। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करते फिर उसके आंसर में इसको ऐड करते, तो ये हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है इसलिए वैसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ जो 3297 है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लीकेशन में कोई और नंबर नहीं है, जिसे ए इंटू बी और ए इंटू सी के फॉर्म में लिखना है, लेकिन आपको मालूम है कि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो आंसर इज नंबर इटसेल्फ। सो 3297 मल्टीप्लाई 999 प्लस 3297 मल्टीप्लाइड बाय 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर एज इट इज मिलती है। सो अब इस स्टेप में देखो दोनों में कॉमन है 3297, तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे 3297 मल्टीप्लाइड बाय, अब फर्स्ट इसमें रह गया ट्रिपल 9 प्लस इसमें से रह गया 1, सो 3297 मल्टीप्लाइड बाय 9, ट्रिपल 9 प्लस 1 होता है 1000। अब 1000 से मल्टीप्लाई करना मीन्स इस नंबर के सामने 3 जीरो लगा दो, सो 3297 1 2 3, सो दिस इज द आंसर। गॉट इट। एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड टाइप का एग्जांपल है जिसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन
और एडिशन का यूज कैसे करना है वो इसमें हम देखते हैं। अभी 356 को हमें मल्टीप्लाई करना है 106 को। अब ये प्रॉपर्टी आपको कब यूज होती है, ओवर जस्ट ओवर 100 है कोई नंबर, या फिर जस्ट ओवर 1000 है या 10000 है, तो इनको हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इज इक्वल टू, अब 106 को बी प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, मीन्स 100 प्लस के फॉर्म में। 1000 के ऊपर की नंबर जैसे 1007 है तो उसको भी हम 1000 प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 356 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 106 मीन्स 100 प्लस 6 इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट के बाहर से ब्रैकेट के हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 356 मल्टीप्लाई 100 पहले हो गया प्लस, अब 356 से हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 356 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू, अभी मल्टीप्लीकेशन आसान है, 356 लिखेंगे उसके सामने दो जीरो लगा देंगे प्लस, इनकी मल्टीप्लीकेशन यहाँ करेंगे 6 6 36 6 कैरी 3, 6 5 30 और 30 प्लस 3 हो गया 33, फिर से कैरी 3, 6 3 18 और 3 21, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब इन दोनों को ऐड करो, 6 प्लस 0 6, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 6 हो गया 7, 2 प्लस 5 हो गया 7 एंड 3 एज इट इज, तो इस तरह से हमें आंसर मिला 37,736। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन साइड में करके देखते हो एज यूजुअल मेथड से, तो आपको यही आंसर मिलेगा। व्हाट इट, हाउ वाज आवर टुडेस वीडियो, इफ यू लव आवर वीडियोस देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, देन यू विल गेट नोटिफिकेशंस व्हेन वी अपलोड आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो वी विल मीट एट द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।